संबंधी जी। हाँ संबंधी जी, कहिए। मुहूर्त से पहले दहेज की पूरी रकम दूंगा कहा था ना? कहा तो था। 15,000 नगद कब दोगे? मालिक, मैं ऑटो चलाने वाला गरीब आदमी हूँ, आप जानते हैं। मुझसे जो हो सका मैंने किया शादी के लिए। मैंने अपना ऑटो भी गिरवी रख दिया। अगर आप इस गरीब की इज्जत बचा लेंगे तो। नहीं है क्या? तो पहले नगद लाओ, बाद में होगी शादी। उठ बड़े उठ। मालिक रुकिए तो। ये लो रुपए रुपए। पंडित, मानिक भाई ने भेजे हैं। ऑटो वाला कोई मुसीबत में हो तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए, ऐसा मानिक भाई बोलते हैं। अरे महाशय, बैल की कीमत लगाकर बेचना और दूल्हे की कीमत लगाकर दहेज के नाम पर रुपया कमाना पाप है, ये बात भी मानिक भाई अक्सर बोलते हैं। अपने दिल में झांक कर देखिए और सोचिए। पंडित जी मंत्र पढ़िए, बजाइए बजाइए। डॉक्टर बहन जी, घबराने की कोई बात नहीं। जैसा मैं बोल चुका हूँ, ऑपरेशन हो जाए तो आपका पति बच जाएगा। आपसे 20,000 रुपए खर्च होंगे बोला था, रुपयों का इंतजाम हुआ? वो ऑटो जिस दिन चलाते हैं उस दिन दो वक्त की रोटी नसीब होती है, अब 20,000 रुपए मांग रहे हैं, हम कहाँ जाएं? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं बहन, देखो ये रहे, लीजिए डॉक्टर साहब। भैया ये रुपए मानिक भाई ने भेजे हैं, ऑपरेशन पूरा होने तक मुझे साथ रहने के लिए बोला है। उसे भगवान लंबी उम्र दे। ये सिर्फ आप ही नहीं, सारी दुनिया बोल रही है। वो है कहाँ? आज गणेश पूजा है ना, इसलिए ऑटो स्टैंड में पूजा की तैयारी में लगे होंगे।
जाता, मंजिल पर है उसे पहुंचाना। मिले रास्ते में बहना जो गर्भवती, उसे अस्पताल पहुंचा दूं मैं तो फ्री। मिले रास्ते में बहना जो गर्भवती, उसे अस्पताल पहुंचा दूं मैं तो फ्री। अजनबी लोगों की मुश्किल मैं हल करूंगा, ना पता पता हो पर ढूंढ निकालूंगा। सच्चाई का मैं हूं तरफदार, हाँ सच्चाई का मैं हूं तरफदार। गरीबों का मैं हूँ दोस्त साथी मददगार, सच्चे का बोल वाला झूठे का मुँह है काला। मैं ऑटो वाला सीधी राह चलने वाला, सही रेट लेने वाला, सबको प्यार करने वाला, प्रेम गीत गाने वाला, गांधी जी के देश वाला, जहाँ वतन से देने वाला, हाथों में मुझको पाला। सच्चाई का मैं हूँ तरफदार, हाँ सच्चाई का मैं तरफदार। गरीबों का मैं हूँ दोस्त साथी मददगार, सच्चे का बोल वाला झूठे का मुँह है काला। सच्चे का बोल वाला झूठे का मुँह है काला, मां मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा बेटे संभल कर जाना। भैया 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 शिवा, भैया मैं पास हो गया हूँ, पूरे स्टेट में फर्स्ट आया हूँ पुलिस ट्रेनिंग में। भैया माँ माँ हाय मोटू, हाय बंदरिया। अरे तुम कब आए, तुम्हें घर वापस भेज दिया क्या? मुझे तो पहले मालूम था कि तुम पुलिस की नौकरी के लायक नहीं बस खाने के लायक हो। अच्छा भैया मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई हूँ। फर्स्ट क्लास में पास? हाँ। वेरी गुड। छोड़ो भी, ये बंदरिया फर्स्ट क्लास में पास हो ही नहीं सकती, जरूर कोई कंप्यूटर मिस्टेक होगा। ये बात हाँ। तुम पुलिस वाले हमेशा ऐसा ही सोचते हो, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं सचमुच फर्स्ट क्लास में पास हुई हूँ। 95% मार्क्स मिले हैं भैया। जैसा आपने मुझे वचन दिया था मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवाएंगे ना। क्या बोली, मेडिकल में सीट? वो सब भूल जाओ, पढ़ना लिखना बहुत हुआ, तुम अब घर का काम सीखो, ससुराल में जाओगी तो अच्छा नाम कमाओगी। माँ, अरे तू बिल्कुल चिंता ना कर, तुझे डॉक्टर बनाऊंगा बोला था ना मैंने, अरे तू डेफिनेटली डॉक्टर बनेगी, ऊपर वाला है ना। थैंक यू भैया, भाई होता ऐसा। अब बस कर। अच्छा तुम तो पास हो गई हो, तुम्हारी दीदी कहाँ है? अरे बता ना, उसका क्या हाल है? वो ना जीरो। ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ओ मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। माँ देखो ना माँ, ये सब मेरा मजाक उड़ा रही हैं। वैसी फील होने पे मैं पछता रही हूँ। और क्या तू पछता रही है? अरे तुझे अभी तक घर में रखकर हम पछता रहे हैं। हाँ, पहली क्लास में 3 बार फेल होकर रिकॉर्ड कायम करने वाली एक तुम ही तो हो। जब पहली क्लास में ये नहीं सोचा तो अब पूछने की जरूरत है क्या? भैया मुझे लगता है इसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अब कोई अच्छा सा लड़का देखो और शादी कर दो। तुम्हारी बात में दम है, ये पहले बोलना था ना, अननेसेसरीली मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट, एवरीथिंग वेस्ट। यानी शादी भी वेस्ट इसके लिए। मैं छोड़ूंगी तुझे। अच्छा बस भी करो बेटा, तो सफर से थक गया होगा, नहाने खाना लगाती हूँ। पिताजी आपकी इच्छा के अनुसार शिवा को इंस्पेक्टर बनाकर, गीता को डॉक्टर बनाकर, कविता की शादी एक अच्छे खानदान में करके, उन तीनों के हाथों इंद्रियों को रोशन करना चाहता था मैं। आज वो वक्त आ गया है, इन तीनों को अपनी दिशाएं मिल गई हैं। ये क्या बेटा, वो तुमको डॉक्टर वॉक्टर मेडिकल सीट वगैरह बोल रही थी और तुम भी उसके हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। तुम्हें मालूम तो होगा डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है, उसके लिए कितने रुपयों की जरूरत। माँ गीता डॉक्टर जरूर बनेगी, उसके लिए जितने रुपयों की जरूरत है वो मैं जमा करता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो सौतेले भाई बहनों की इतनी देखभाल कभी नहीं करता। तुमने बेटे का फर्ज निभा दिया, तुम्हारी माँ जिंदा होती तो खुश होती, छोटी उम्र में वो चल बसी। उनके स्थान पर तुम जो हो माँ। वो सब छोड़ो बेटा, तुमने अपने बारे में भी कुछ सोचा है? तुम्हें भी अपनी जिंदगी शुरू करनी है। अरे माँ पहले मेरे भाई बहनों को तो रोशन होने दो, फिर बाद में मेरी जिंदगी का दिया वो भगवान खुद ही रोशन कर देगा। मैं चलूँ माँ। अरे मानिक भाई जल्दी है काम पर क्या? हाँ यार। सुनो भैया चौक में दंगे फसाद चल रहे हैं। अच्छा तुम्हें तो झगड़ों से सख्त नफरत है ना,
कुछ भी हो उस तरफ मत जाना। अरे बाप रे, जान भी निकले तो भी नहीं जाऊंगा। अरे अरे ए भाई जरा नीचे आओ। हाँ देखो भाई, ये जो अपना ऑटो है ये शीश महल जैसा है। हाँ भाई, हम दूसरे की गाड़ी में टक्कर मारे तो ऑटो अपने टूट जाएगा, दूसरे हमसे मारे तो भी अपनी गाड़ी कोई नुकसान। हाँ जरा देख के चलो। मानिक भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, मेरी बहन मरियम की शादी फिक्स हो गई है। इधर उधर हाथ पैर मार के बड़ी मुश्किल थोड़ा पैसा जोड़ा। 1000 रुपये उधार लेने आया हूँ मैं, बाद में लौटा दूंगा। हाँ एक बात सुनो, कर्जा लेना भी गलत है और देना भी गलत है, समझे? दोनों में चैन नहीं है, हैसियत के मुताबिक चलना चाहिए। चादर जितनी बड़ी हो उतनी टांगे फैलाओ। कर्जा वर्जा नहीं देता मैं। लो 100 रुपए मेरी तरफ से बहन को तोहफा दे देना। लेना भी गलत और कर्जा देना भी गलत, बहुत अच्छा नुस्खा है। क्या हुआ? लगता है गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है मैडम। तुम पेट्रोल डलवा के घर आ जाओ, मैं ऑटो में चली जाती हूँ। ठीक है मैडम। सुपर फिगर आ रही है। अरे वो हमारी तरफ ही आ रही है। आ जाओ। प्लीज कम। वेट, मैं खुद सेलेक्ट करूंगा। ओके मैडम। तुम आओ। हैंडसम का मतलब अति सुंदर होता है। मानिक भाई वो मुझे बुला रही है। अब तो मान गए ना मैं कितना सुंदर हूँ। ब्लडी फूल। प्लीज सिट डाउन। Bye. Excuse me. Bye. हैंडसम बोला तो उसकी शक्ल देखने वाली थी, कितना खुश हो गया था वो। सुनिए, आप जैसी हसीन लड़कियां अगर किसी को गाली भी दें तो सब खुश हो जाते हैं मैडम। वैसे देखें तो आप हैं सबसे हैंडसम। ओह थैंक यू वेरी मच, यू आर आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैडम। थैंक यू सो मच। यू नो इंग्लिश? या लिटिल लिटिल। व्हाट्स योर नेम? या मानिकचंद। यार ये क्या, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है लिखा? सच बात है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ में ही तो है। भगवान पे आपको भरोसा नहीं है क्या? अरे बाप रे, भगवान के बिना तुम कुछ भी नहीं, लेकिन हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे तो भगवान हमारी हिफाजत करेगा। भाई वाह, आपकी बात में दम है। आपको एक बात बताऊं? क्या? जापान वाला काम नहीं करेगा तो मर जाएगा, चीन वाला जुआ नहीं खेलेगा तो मर जाएगा, अंग्रेज अगर अपनी बड़ाई खुद ना करे तो मर जाएगा, इंडियन अगर बातें ना करे तो मर जाएगा। अच्छा बोल लेते हो, इंडियन जो ठहरा। इंदर आ रहा है। इंदर कौन है? वो इस इलाके का मना हुआ गुंडा, हर महीने हफ्ता वसूल करने आता है। वो जब भी आता है तो सबके रास्ते बंद कर देता है, कोई भी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। बात करो तो मारता है, कोई उसके खिलाफ बोले तो उसे खंभे से बांध कर थोपड़ा बिगाड़ देता है। चुप रहो। आ रहा है।
जरा पीछे ले। हाय 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 हाय, कमाल है, दोनों ही कमाल है। गाड़ी आगे बढ़ा, दिल आ गया तो मुश्किल है। वो कुत्ता हमारी बहनों के बारे में इतना गंदा बोल रहा था, उसे सबक सिखाना था। कीचड़ में पत्थर फेंको तो चीटें हम पर ही आएंगी। शिवा, जमाना बहुत खराब है, इसी से झगड़ा मोल क्यों लें? तुम्हें सुधारना बड़ा मुश्किल है। थैंक यू सर। गुड लक। नेक्स्ट कैंडिडेट। इस कैंडिडेट का नाम शिवा है, पिता का नाम राधेश्याम, बर्थ प्लेस बॉम्बे। कहाँ बताया? बॉम्बे सर। पिता का नाम क्या बताया? राधेश्याम। वो जिंदा है? नहीं सर। माँ का नाम? भारती देवी। शिवा वहीं पर अपने बड़े भाई के साथ रहता है। उनका नाम? मानिकचंद। क्या काम करते हैं वो? ऑटो चलाते हैं सर। ऑटो चलाते हैं। देखो मानिकचंद से मिलना मेरा बहुत जरूरी है। ओके सर। भैया। अरे शिवा क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सब में पास हो गए ना? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, AIG ने तुम्हें बुलाया है। DIG ने? किस लिए? मैं नहीं जानता, फौरन बुला के लाओ बोला है। तो चलें भैया। क्यों नहीं चलते हैं? सर मणिकचंद आए हैं। नहीं कोई बात नहीं। क्या आपने मुझे बुलाया सर? क्या है कि बॉम्बे में मानिक बोल के मेरा एक दोस्त रहता था, वही होगा सोच के बुलवाया था। वैसे कब से ऑटो चला रहे हो? 4 साल से ऑटो चला रहा हूं। आपकी कमाई तो अच्छी होगी। ये तो भगवान की दया है। बच्चे कितने हैं मानिकचंद जी? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। ओ ठीक है, इस पेपर पर एक सिग्नेचर कर दो। आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जरा बादशाह की फाइल तो लेकर आओ। कौन सा बादशाह सर? बॉम्बे बादशाह। स्मगलर वर्किंग बादशाह। ये क्या भाई, बादशाह का नाम बोलते कहां पटे तुम? वो बड़ा भयानक आदमी था सर, उसे मरे तो 4 साल हो गए। आपको उस फाइल से क्या काम? जरा फाइल तो लेकर आओ। अच्छा सर। पिताजी, आपकी पहली इच्छा मैंने पूरी कर दी। अरे प्रिया, तुम टैक्सी पकड़े घर चले जाओ, मैं बाद में घर आऊंगा। इसे पर्स में रख लो। ये क्या है डैडी? बाद में बताऊंगा, पर्स में रखो। ओके।
नमस्ते केशव जी। नमस्कार नमस्कार, कैसा आना हुआ? यहाँ कोई डायमंड्स की स्मगलिंग कर रहा है। डायमंड्स? हाँ जी। कमाल हो गया, सब बिगड़ गए। प्लीज गो अहेड। थैंक्स। ऑटो मानिक। हाय या। हाय या। बाय स्टैंडिंग। यू वांट ऑटो या? या या। कम या। कमिंग या। तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्यों यार? बातें ना करो तो इंडियन मर ही जाता है। बोल रहे थे ना उस दिन या? या या। अरे क्या हुआ, झगड़ा से घबराते हो? हाँ बहुत घबराता हूँ, झगड़ा करना ठीक नहीं, बहुत गलत है। तुम्हारे ख्याल में लड़कियों को कैसे रहना चाहिए? खूबसूरत साड़ी पहने, फूलों का गजरा लगा के भटकते हुए आए तो। वैसे आपकी शादी हो गई? एक लड़की भी मेरे पीछे नहीं पड़ी, बहुत अफसोस होता है जी। आपने पीछा क्यों नहीं किया? नो 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 नो, वेरी वेरी बैड। मर्दों को औरतों के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए जी, औरतों को मर्दों के पीछे भागना चाहिए। अच्छी बातें करते हो। इंडियन हूँ ना। I like you यार। सेम हियर यार। ट्वेंटी रुपीज हुए जी। थैंक यू। तुमसे हमेशा मिलने को मन करता है। ये तो हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारी ऑटो में बैठती हैं। ऑलवेज वेलकम। बाय बाय। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम मैडम, अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैं बैठा मतलब नहीं जा सकते। अरे मुझे उन तक ही पहुंचाना। नहीं जाने का साहब। तो क्या मैं इसे रख लूँ? हाँ रख लो। अबे तू कौन होता है मुझे ऐसे बोलने वाला? अरे मैडम, मैडम जी, मैडम जी, मैडम, ओ साहब रुक जाओ, मैडम साहब, ओ मैडम, 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 क्या हुआ? मैम साहब ये आदमी अंदर घुसा जा रहा है। हाँ अंदर घुसा जा रहा हूँ। अच्छा तुम जाओ। अबे जा रहे साला बदमाश, लेके जाओ बोल रहा था। क्या बात है मानिक? मैडम ये ऑटो में पड़ा हुआ था आपका तो नहीं? हाँ मेरा है। इसमें क्या है तुम जानते हो? क्या है मैडम? डायमंड्स। क्या कीमत है तुम्हें पता है? नहीं पता। 50 लाख। करोड़ भी हो सकती है। हाँ आप ही रखिए जी, मैं चलता। रुकिए, इसे मुझे ना देकर अगर आप ही रख लेते तो क्या होता मालूम है? जी मालूम है। क्या मालूम है? तुम्हारे बंगले जैसा मेरा भी बंगला होता। बड़े शौक से रिश्तेदारों को बुलाकर, क्या कब होगा बिना कुछ जाने मुझे डर डर के नींद बिना चैन बिना खाए बिना यू हाय हाय रोते रहना पड़ता। नो नो नो, कीप इट योरसेल्फ एंड एंजॉय योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैडम। प्रिया, प्रिया, डैडी क्या ढूंढ रहे हैं पर्स में? यही ना? अरे रे, ये तुम्हारे पास है क्या? मैंने पूरा पर्स छान मारा। ला लो इधर लाओ। क्यों डैडी, आपने क्या डायमंड्स का बिजनेस शुरू किया है? बेटी की शादी के लिए जेवर बनवाने के लिए डायमंड्स इकट्ठे कर रहा था। अरे ये सब तुम्हारी शादी के लिए तो है। डैडी जब मैं बाहर आ रही थी होटल से तो वहाँ पुलिस आई थी। क्यों आई थी? क्यों बेटी, तुमको मैं क्रिमिनल दिखता हूँ जैसे सवाल कर रही हो? देखो मैं अंडरग्राउंड बिजनेस करने वाला आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। पूरे 10 थे इसमें, 9 ही है, एक और कहाँ है? पता नहीं। प्रिया तुम होटल से टैक्सी में आई थी ना? नहीं ऑटो में। ऑटो में? कहाँ का ऑटो है, नंबर क्या है, पहचान लोगी ना तुम? पहचान लोगी। गुड। ए जी सर, डायमंड ऑटो वाला नहीं चलाया होगा। तुम सब जाकर उसे पकड़ कर डायमंड लेकर आओ। ओके सर। डैडी उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ मैं। एक्चुअली ये डायमंड्स उसके ऑटो में मैं ही भूल गई थी, बट उसने खुद लाकर मुझे दिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ उसने नहीं लिया होगा। वो एक नेक इंसान है। नेक इंसान होगा लेकिन ऑटो में कहीं गिर भी तो सकता है। मालूम है एक डायमंड की कीमत 40 लाख रुपए है। तुम जाओ। यही कहीं होगा। वो देखो वो वाला ऑटो। उस ऑटो को रोको, चेक करो।
क्या बात है जी, क्या ढूंढ रहे हैं? वो एक डायमंड खो गया इसलिए। मुझे वचन दो, आशा नहीं रहोगे, ये बंबई छोड़ दोगे, वचन दो। जल्दी जल्दी करो। तुमको डायमंड ढूंढने को बोला था, ऑटो क्यों फाड़ रहे हो? स्टॉप इट। डायमंड कहां छुपाया तुमने? सर, डायमंड मिल गया है। क्या मिल गया? अच्छा माते। हेलो। ओए, डायमंड मिल गया है, आओ चलें। एटलीस्ट सॉरी तो बोलो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तुम्हारे बारे में जाने बिना। कोई बात नहीं, हम गरीब लोग हैं, ये सब तो होता ही रहता है। जो भी खर्चा होगा मैं उसे। आपके आदमी इंतजार कर रहे हैं। I'm sorry. तलाशी लेने को बोला था और बात करने को नहीं। माफी मांगो इससे। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। जिस भले मानस पर तुम जुल्म कर रहे थे और वो चुपचाप खड़ा हंसता हुआ अपनी बर्बादी देख रहा था, उसके पैरों पर गिरकर माफी मांग कर आओ। सुन लिया ना, पहले जाके माफी मांग। जंगली जानवर, आपके पास ऐसे लोग भी काम करते हैं डैडी? मैं नहीं जानती थी। प्रिया कूल डाउन, प्रिया छोड़ो भी। अरे ऑटो ही तो तोड़ा है ना, उसके लिए तुम क्यों इतनी परेशान हो? तुम चाहो तो एक नया ऑटो खरीद के दे देंगे उसे। आप उसे ऑटो खरीद के देंगे तो क्या वो ले लेगा? आप उसे नहीं जानते डैडी, ही इज अ ग्रेट मैन।
शीघ्रमेव गुड्डु बॉयफ्रेंड प्राप्तिरस्तु। ना संत ना साधु प्रेम पुजारी कोई शायर होता लिख देता शायरी। ना संत ना साधु प्रेम पुजारी कोई शायर होता लिख देता शायरी। गवर्नमेंट कोटा तो खत्म हो गया है, अब जो बचा है वो मेरा कोटा है, वही कॉलेज कोटा। एक सीट के लिए 7 लाख रुपए फिक्स कर चुका हूँ। क्या 7 लाख रुपए? तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे 95% मार्क्स आए हैं, इतनी मेहनत करने वाली लड़कियों को मैं मना भी नहीं कर सकता। सर प्लीज सर, आप किसी भी तरह मुझे सीट दिलवा दीजिए, आप ही के हाथ में तो सब कुछ है। अभी तुमने जो बोला बिल्कुल सही बोला, मेरे हाथों में सब कुछ है। देखो तुम्हें 7 लाख भरने की जरूरत नहीं है, फीस भी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम करना होगा। यहां मेरा एक गेस्ट हाउस है, मैं जब भी बुलाऊंगा तुमको वहां आना पड़ेगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे इन टेंशनों से छुटकारा भी मिलेगा। सोच लो, ऐसा मौका सबको नसीब नहीं होता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अब सोच क्या रही हो, अब सब तुम्हारे हाथों में है। हाँ कमीने, मेरे हाथों में ही है सब कुछ। गीता क्या भैया, सवेरे ही इंटरव्यू हो गया होगा, रिजल्ट क्या निकला? तुम्हारे लिए घर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं और तुम हो गए कैंटीन में अकेली बैठी हो, क्या हुआ, सीट नहीं मिली क्या? मैं बीएससी ही करूंगी भैया, मेडिकल मेडिकल छोड़ो, बहुत मुश्किल पढ़ाई होती है भैया। सीट मिली या नहीं? मेरी तकदीर खराब है, उसके लिए बहुत पुण्य कमाना होगा मुझे। पुण्य कमाना होगा?
तुमने कौन सा पाप किया है? गरीब के घर में पैदा हुई ना, घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हैं, गेस्ट हाउस में जाके पढ़ना पड़ेगा मुझे। तुम मेरे साथ आओ। तो जरूर आएगी, मुझे मालूम था, कितनों को देख चुका हूं मैं। ए, एक लड़की को भेज रहा हूं, उसे सीट दे देना और मेरे गेस्ट हाउस का एड्रेस भी समझा देना। अरे अरे, ये कौन है? ऑटो में आई हो क्या? पैसे नहीं दिए? ये मेरे भाई हैं। ओ, मुझे डरा रही हो इससे? नहीं तो, इतनी हिम्मत कहां है मुझमें? आपने ठीक नहीं किया जी, सीट नहीं है तो सीट नहीं है बोलना था। आप तो बड़ी ऊंची सीट पर बैठे हैं, ऐसी घटिया बात नहीं कहनी चाहिए थी। एक सीट मेरी बहन को दे दीजिए प्लीज, वरना वरना क्या करोगे तुम? ए? क्या बिगाड़ोगे मेरा, क्या बिगाड़ोगे? क्या पुलिस को बुलाओगे, मंत्री के पास जाओगे या गवर्नर के पास जाओगे, किसके पास जाओगे? फोन घुमा कर तू बात करोगे? मुझे किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। क्या गुंडा है तू? अबे मैं ही बड़ा गुंडा हूँ, वही तो हूँ पहले, ये सब काम बाद में। इसे बाहर फेंक दो। साहब जी, दो मिनट। अबे सुनानी साहब ने क्या बोला? सिर्फ दो मिनट अकेले में बात करनी है। हमें बाहर चल। बेचारा मुझसे कुछ गुजारिश करना चाहता है, बोलने दो, जरा बाहर ठहरो। गीता तुम जरा बाहर जाओ। भैया घबराओ मत, बाहर जाओ। कुछ बात करना चाहते थे, अब बोलो ना। सर, मेरा नाम मानिक है, मेरा एक और नाम भी है। बाशा, बाशा। किसी से बोलोगे तो नहीं? मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। अरे छोड़े नहीं भाई साहब, एक सीट क्यों, 100 सीट दूंगा, 1000 सीट दूंगा, कॉलेज ही आपके नाम कर दूंगा। प्लीज भाई साहब, अब उस सीट पर बैठे। मैं चलूं अपनी कागज की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें मिल गई सीट। थैंक यू। अरे भैया, क्या बातें कर रहे थे दोनों, क्या बोले आप? उनसे सच बोला मैंने। ये और आप क्या भाई? ये क्या, उस बहन के भाई है इसलिए मेरे भाई है, मेरे भाई यानी तुम्हारे भाई है, तुम्हारे भाई यानी हम सबके भाई है, भाई है। या किसी बड़े होटल में? भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो मना किया था, इन्होंने मजबूर किया और मुझे यहाँ ले आए। आज पहली बार हम दोनों मिलके बाहर आए हैं भैया, स्कूल से ही हम दोनों की फ्रेंडशिप है, ये तो गीता को भी मालूम है। ओ हाँ भाई, वो तो घर की मालकिन है, उसको तो पता ही होगा। वैसे तुम छोटी छोटी बातों पर बड़ों से घंटों जुबान चलाते रहती हो, फिर ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे को तुमने गले में फंसा के रखा? तुम्हें ये साथ थोड़े पसंद है या बहुत? बहुत ही पसंद है। हमको पसंद ना आए तो कसम से इनकी तरह मुड़ के भी नहीं देखूं। ये कहानियां किताबों में अच्छी लगती है, कितनों को मैं देख चुका हूँ। सुनो, हम कल ही तुम्हारे घर रिश्ता मांगने आएंगे। क्या लगता है? सुनिए, चुप कर तू। रोज तू 100-200 रुपए के वास्ते गली गली अपने ऑटो को लेकर भटकता है, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझसे रिश्ता जोड़ने चला है? क्या तुमको मेरी आमदनी का पता है? मेरा बैंक बैलेंस क्या है कुछ मालूम है? क्या तुझको मेरी जायदाद का कुछ अंदाजा है? क्या इज्जत है मेरी इस शहर में? पूरी जिंदगी तू ऑटो चलाए तो भी मेरी एक दिन की कमाई के बराबर तू नहीं कमा सकता, समझे?
इकलौता बेटा है उसको फंसा लिया तो पूरी दौलत के मालिक बन जाएंगे सोच के अपनी बहन से जाल फेंकवाया तूने। चुप करो, जानते हो किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी पूरी दौलत, बैंक बैलेंस, इज्जत, आबरू, ये सब इसके पैरों की धूल के बराबर है। ये कौन है जानते हो? माँ, मेरी माँ ऐसे ही बोल गई, माफ कर दीजिए। सर, आपको शायद मालूम ना हो, लड़का लड़की जब पहली बार मिलते हैं तो पहला प्यार वो जिंदगी भर नहीं भूलते। चाहे बहुत बड़े घराने में उनकी शादी हो जाए मगर वो पहला प्यार नहीं भूलते। हम उनके दिलों से मोहब्बत मिटा ही नहीं सकते, वो मोहब्बत उनके दिलों में कांटा बनकर जिंदगी भर चुभती रहेगी। वो पाप हम क्यों लें? उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। उन दोनों को मिलाने के लिए ही मैं आपकी आपकी चौखट पर चलकर आया हूं। मेरी बहन दौलत की अमीर नहीं पर लाखों में एक है। जो कुछ एक घर की लक्ष्मी में होना चाहिए वो मेरी बहन को हमने सिखाया है। यकीनन इस घर की बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। वो मान बढ़ाएगी, सबका ख्याल रखेगी, सबकी सेवा करेगी। इस शादी के लिए दामाद कीजिए। दहेज कितना चाहिए बोलिए सर, खर्चा जो भी होगा मैं करूंगा, अपनी हैसियत से बढ़कर करूंगा सर। उन दोनों को एक कर दीजिए प्लीज, मैं आपके पांव पड़ता। मालिक, क्यों बेटा उनके पैर पकड़ता है? मेरा बेटा किसी के पैर पकड़ी ही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पैसों के पुजारी, पैसे को ही सब कुछ समझने वाले लोगों के घर मेरी बेटी को ब्याह दिया तो यकीनन वो खुश नहीं रहेगी। सिर्फ घर में लड़का अच्छा है तो क्या फायदा? माँ बाप सब अगर अच्छे हो तो परिवार बना रहता है, उस घर की बहू बेटियां भी सुख और चैन से रह सकती हैं। इस घर में मेरी बेटी चैन की नींद सो पाएगी मुझे विश्वास नहीं। ये रिश्ता हमें पसंद नहीं। चलो माँ, जल्दबाजी ना करो। ये मेरी मान मर्यादा इज्जत का सवाल नहीं है, कविता की जिंदगी का सवाल है। वो जिससे प्यार करती है उसे उसकी शादी करवाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो क्या किसी के भी पैर पकड़ोगे भैया? मेरे भाई को जरूरत नहीं किसी के पैरों पे गिरने की, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। ये सब कुछ एक सपना था, सोच के मैं भूल जाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारी बहन बनकर शान से जीऊंगी। मेरे भाई आओ, भैया चलो। चलता हूँ सर। जरा रुको बेटा, गरीब दौलत कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मैं समझता था। वो पैसों से ज्यादा घर की इज्जत और प्यार को महत्व देते हैं, आज ही पता चला है। बेटे की इज्जत को बरकरार रखने वाली माँ, भाई की इज्जत पर जान नौछावर करने वाली बहन और सब कुछ सहने वाला भाई, ऐसे घराने की लड़की मेरी बहू बने ये बड़े नसीब की बात है। ए, मैंने मंजूर कर लिया। आज से तुम्हारी बेटी हमारी बहू है। नहीं नहीं, बेटी है। कोई अच्छा मुहूर्त देख के शादी की तैयारी। शुक्रिया। की दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी मैंने। अरे अकल के अंधे, क्या पागलों जैसी बातें करता है? अहमद उसको देखकर पैसे क्यों नहीं लाया? सर, जेम्स जो पार्टी लाया था वो पार्टी ठीक नहीं है, वो लोग धोखेबाज है। हमसे डायमंड लेकर 5,000 रुपया देंगे कहा था, लेकिन हमें पता चला कि 4 बजे के फ्लाइट से दुबई जाने वाले। इस केशव से गेम खेल रहे हैं वो? नो, वो लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले उन सबको खत्म कर दो। ओके सर, कम ऑन लेट्स गो। हमारी बेटी है क्या? साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। बात क्या है, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं। कहाँ जा रही हो? शॉपिंग। किस गाड़ी में जा रही हो? ऑटो में। क्या बात, आजकल ऑटो में बहुत घूमने लगी हो। आज मैं खुद तुम्हें छोड़ के आता हूँ, आओ। नहीं। आओ बेटी आओ।
शव है, अब क्या करोगे? प्रिया आ रही है, मैं संभाल लूंगा। मानिक, हेलो। हेलो, अभी तुमको जो ड्रॉप करके गया है वो कौन है? डैडी। तुम्हारे डैडी? हाँ मेरे। ओह, कहाँ जाना आपको? राजनगर। माफ कीजिए, आज गाड़ी राजनगर तो नहीं जाएगी, रामपुर रोड की तरफ जाएगी। तब रामपुर रोड चलो। नहीं, गाड़ी वहां भी नहीं जाएगी। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे, प्लीज। आइए, कोई जरूरी बात करनी थी मुझसे, बोलिए। तुम्हारी राय लेकर कुछ फैसला करना है मुझे। ऐसी क्या बात हो सकती है जिसका फैसला मुझसे चाहती हो? एक आदमी एक लड़की के साथ बहुत प्यारी जिंदगी गुजार रहा है, बाद में लड़की को वो एक स्मगलर है, गैंगस्टर है, पता चल जाए तो लड़की को क्या करना होगा? उससे बहुत दूर चले जाना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो? हाँ, कोई भी हो, बुरा आदमी बुरा ही होता है। वो बुरा आदमी पता है कौन है? कौन है? मेरे पिताजी। और एक बात है। बोलिए। एक लड़की एक आदमी के साथ बहुत दिनों से दोस्ती रख रही हो, वो गरीब है मगर बड़ा दिलेर और हिम्मतवर है, दिल वाला, और एक नेक इंसान है, पता चले तो उस लड़की को क्या करना होगा? मन से चाहती हो तो कह देना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो चाहे कोई भी हो। मन से चाहती हो तो कोई भी हो तो क्या? वो कौन है जानते हो? कौन है? आप हैं। आई लव यू। जरा नीचे उतरिए, नीचे उतरिए। देखो मिस, क्या सोचकर आप मुझसे दोस्ती कर रही हैं मैं नहीं जानता, अगर जानता तो आंख उठाकर भी आपकी तरफ नहीं देखता। ये प्यार व्यार के चक्कर से मैं बहुत दूर हूं, अपने को नहीं जचता ये। आप और बहुत मिल जाएंगे, उनके पास जाइए, मुझे माफ करिए, बाय। मानिक, देखो मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ से छोड़ के तुम जा रहे हो ना, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितने भी दिन निकल जाए, जब तक तुम खुद मुझे लेने नहीं आओगे मैं इस जगह से नहीं हिलूंगी। समझना कि मेरा इरादा बदल गया और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, मैं तो बस इंसानियत के नाते आया हूं। किसी आदमी को भी उसको ऊपर से देखकर अंदाजा मत लगाना। आज घर में सब कुछ अजीब सा लग रहा है। प्रिया को साड़ी में पहली बार देखा वो अजीब था, उसके बोलने का ढंग अजीब था। रात के 12 बज गए हैं, वो अभी तक नहीं आई, ये तो बिल्कुल अजीब है। सर, लगता है कोई ऑटो आया है। तुम्हारा घर आ गया, नीचे उतरो। क्या स्टाइल है यार। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ समझ रहे हो? जब तुम्हारी बोली ही स्टाइल है तो मैं कहूंगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। चलूं डियर। <dear? laughs>
सुपर फिगर है ओ फिगर वाले कहना क्या तेरा हो एक नई जिंदगी है तेरे साथ में आशिकी की हर खुशी है तेरे साथ में दे दी हमने जिंदगी ये तेरे हाथ में स्टाइल स्टाइल है क्या सुपर स्टाइल है ओ स्टाइल वाले कहना क्या तेरा तेरी जादू भरी बातें तेरी मीठी मुस्कान तेरी हो गया मैं दीवाना प्यारा हर ढंग तेरा सांवला रंग तेरा सांवले रंग में जादू है मैंने आज ही जाना है रात सुहानी हर बात सुहानी आजा मेरी बाहों में मेरे ख्वाबों की रानी स्टाइल स्टाइल है क्या सुपर स्टाइल है ओ स्टाइल वाले कहना क्या तेरा फिगर फिगर है क्या सुपर फिगर है ओ फिगर वाली कहना क्या तेरा निकालूं भैया कल से बुखार चढ़ा है मुझसे काम नहीं हुआ अभी भी दुकान खोली पैसे नहीं है क्या इंदर में आएंगे मालूम था ना जानता हूँ जैसे वो आते हैं पैसे निकालने पर मालूम है ना तो पैसा नहीं देता ऊपर से जुबान चला था मेरे सामने तू गरीब को मत मारियो भैया जुबान चला था मेरे सामने चल पैसा निकाल अरे इसे मत तोड़िए भैया पैसे निकाल भैया इसे मत तोड़िए सुना नहीं सुने मैं तुम्हारे पापा
राम भाई, हम सुना हूँ कि तुम हमरे इलाके में इंस्पेक्टर बन के आए हो। बहुत खुशी हुआ हमका। बबुआ, पुलिस का जो कानून होता है वो तुम थाने में ही रहने दो। यहाँ हमरा कानून चलता है, कैसे ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये इंदर लोक का कानून है। आ? अभी तुम नए नए आए हो, तुम्हारे बड़े ऑफिसर होंगे ना, उनका पूछो, जान जाओगे और खुश रहोगे, वरना मारे जाओ। अरे भैया देखो ये भी छोटा है, अभी से माफ भैया तुम हट जाओ, क्या कर लगा? ये इंदर लोक है, ये यहाँ इंदर का कानून ही चलेगा। तुम्हारा कानून ये वर्दी कुछ नहीं कर पाएगा। ये इंदर इस तरह किसी से बात नहीं करता। हमसे जबान चलाने वाले को खंबे से बांधकर खाल खींच लेता हूं, इसके लिए छोड़ रहा हूं। का सामने कोई सांस लिया तो उसे खंबे से बांध कर मारता हूं। ये तो हमने आदमियों पर हाथ उठाया, ये को बांध कर मारूंगा ही नहीं बल्कि काट कर फेंक दूंगा। इसे इस बार छोड़ दो भैया। चुप कर तू, अभी इसे दुनियादारी की मालूम, अभी तो ऐसे बोल रहा है, इस बार जाने दो इसे। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, मेरे भाई को माफ कर दो, मैं हाथ छोड़ता हूं। ए, इस जागे को ले जाओ। बर्दाश्त की हद हो गई भैया, कोई भी जोश में नहीं आएगा। मानिक, तुझे बचाने तुम्हारा भाई आया, तुझ में दम है तो उसे बचा ले, बांधो खंभे से। और तुम एक गाय की तरह चुपचाप मार खाते रहे, क्यों भैया क्यों? अरे एक बिल्ली को वार करो तो वो चिंगारती है। आपने ऐसा किसी पर हाथ नहीं उठाया क्या?
आपको गुस्सा ही नहीं आता क्या? ओम शक्ति। तुम्हें अरेस्ट करने के लिए वारंट लाए हैं। कौन मायका लाल पैदा हो गया जो इस इंदर को अरेस्ट करेगा? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। इस वक्त कहाँ जा रहे हो बेटा? बहुत जरूरी काम है, जल्दी लौटाऊंगा। अरे माँ, वो गीता कहाँ है? बाजार जा रही हूँ, बोल रही थी 2 बजे की गई हुई है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे, मुझे डर लग रहा है। अभी तक क्यों नहीं आई? उसे तो इंस्पेक्टर साहब, अरे जेल तो गेस्ट हाउस है हमरे लिए, एक दो दिन बड़ी खातिरदारी करके बाहर भेज दिए। अच्छा भैया, तुमरे भाई को मारने का जुर्म में अंदर करके वीरता दिखाई, अब तुमरी बहन का इसी जगह हम बलात्कार करूंगा, तो क्या कर लोगे? 2-4 दिन और जेल में बंद करवा ही दोगे और हम बाहर आ ही जाऊंगा, और बाहर आने के बाद हम क्या करूंगा मालूम है? प्रणाम जी। माजी बाजार में पकड़ा हो।
इस इलाके में तू नजर आया तो जहां नजर आएगा वहीं खोद के दफना दूंगा। मैं एक बार बोलूं तो 100 बार बोलने के बराबर है। हॉस्पिटल में 4 लोगों की हालत तो बहुत नाजुक है। इंटेंसिव केयर में 2 आदमी तो एक एक सेकंड मौत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन दोनों को सिर्फ 24 घंटों की मोहलत दी है। उनमें से एक इंदर भी है। भरे बाजार में कुछ गुंडे जब सबके सामने तुम्हारे ऑटो को तोड़ रहे थे तो तुम अपनी बर्बादी का नजारा हंसते हुए देखते रहे। जान से भी प्यारी बहनों को एक लफंगा पूरे मोहल्ले के सामने अपनी गंदी जबान से बेइज्जत कर रहा था तो आपने उसको एक लफ्ज नहीं बोला और मुंह छुपा के आगे बढ़ गए। इस मोहल्ले में सबके सामने भारी बरसात में खंबे से बांध के जब मार रहे थे आपको तब भी चुपचाप मार खाते रहे जैसे आप मार खाने के लिए ही पैदा हुए हों। जिनको कल बुरी तरह मारा था उनका इलाज करने वाले डॉक्टर भी परेशान हो रहे हैं। कौन है जिसने इतनी बुरी तरह मारा है? जिसने हड्डियों का नसों का बुरी तरह का चूमर बना दिया है वो जो कोई भी हो साधारण आदमी नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को मारा है उनमें से किसी ने भी अगर दम तोड़ दिया तो मैं खुद आपको अरेस्ट करूंगा। भैया बोलिए आप कौन है? बॉम्बे में क्या काम करते थे आप? ये चोरी डकैती मारामारी आपका पेशा था? तब तो यह सब एक दिखावा है आपका। भेद खुल गया तो डर लग रहा है आपको? अरे कुछ तो बोलो। देखो मुझसे आप कुछ ना छुपाओ। बोलो मुझको अभी बताना होगा आप कौन है? बॉम्बे में आपका क्या बिजनेस था बोलिए। शिवा ये क्या इंक्वायरी है क्या? उसने अपनी जान पे खेल के तुझे उन गुंडों के हाथों से बचाया तो तूने पूछताछ शुरू कर दी।
किससे बात कर रहा है? ऐसा एक बेटा मेरी कोख से क्यों नहीं पैदा हुआ, हमेशा मैं सोचा करती हूँ। तुमने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा, तभी तो ऐसा फरिश्ता तुम सबका भाई बना। तुम्हारे साथ किसी भी दिन सौतेरे भाई का व्यवहार किया है बताओ? इस परिवार के लिए उसने दिन रात मेहनत की और उसका बदला यूं मुजरिम की तरह सवाल पूछ के दे रहा है? उसने ऐसी क्या गलती की है? तुम्हारी बहन पर जब उस कुत्ते ने हाथ उठाया तो मैं एक बूढ़ी औरत ही उसका गला काट देती। वो तो एक मर्द है, मारा है तो कौन सा पाप किया? एक बात सुन ले, अपनी पुलिस बुद्धि इस चौखट के बाहर छोड़कर एक भाई की तरह रहेगा तो इस घर में कदम रखना, वरना मैं समझूंगी मेरा वो एक ही बेटा है, तो मेरे लिए पैदा क्यों कर गया? बोलिए, आप कौन है? बॉम्बे में क्या काम करते थे आप? बोलिए, आप कौन है? बॉम्बे में क्या काम करते थे आप? मन ये हिम्मत और जोश है इसमें, चल रहा है शेर की तरह, चल रहा है आग की तरह, उसे का वो रूप देख, खून पसीना बहाने वाला राजधानी का शहंशाह देख रे, रोशनी की चमक है इसमें तेज सूरज सा, रोशनी की चमक है इसमें तेज सूरज सा। एंथोनी का आदमी है ना? एंथोनी कौन है? मैं नहीं जानता। ये बात है, अरे अपनी बिरादरी का आदमी होकर हमको ही चुना लगा रहा है। अबे कुत्ते सच सच बता, तू सुबह अंधेरी के आसपास क्या कर रहा था? मंदिर में पूजा करने आया था। तुम रोज मंदिर में पूजा करते हो? हफ्ते में एक बार करता हूँ। किस मंदिर में? गणेश जी के मंदिर में। पिछले हफ्ते आए थे? आया था। मैंने तो नहीं देखा। मैं आया था, बोल रहा हूँ ना। नहीं आया तो? मैं आया था। तू नहीं आया? आया था मैं। तुम्हारा नाम? अल्बर्ट। मतलब शहर के सारे चर्च बंद हो गए तभी? अल्बर्ट को चर्च ही जाना होगा, मंदिर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? मगर तू जाते वक्त जो थैली ले गया था वो आते वक्त कहाँ गायब हो गई? मैं कुछ नहीं ले गया था। जानता है तू किसके सामने बैठकर ये बकवास कर रहा है? पाशा, अगर तूने सच नहीं बोला तो तेरी बॉडी का नक्शा बदल दूंगा। चुप्पे, एंथोनी का आदमी हूँ तुम सब जानते हो ना, अब अगर हाथ भी लगाए मुझे तो एंथोनी चेहरा बिगाड़ देगा तुम सबका। ए, 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 इस बादशाह के आगे एंथोनी, एंथोनी का नाम मत ले। तुमसे सच उगलवाना मैं अच्छी तरह जानता हूं, इस बादशाह को सब मालूम है। इन हाथों को कान ना दे, तू सच बोल दे, नहीं तो जानता है ना ये बादशाह एक बार बोले तो 100 बार बोलने के बराबर है। बोल बोल, अंधेरी क्यों आया था? उस थैली में क्या था? बोल बोल। नहीं जानता। नहीं जानता। नहीं जानता। नहीं जानता। नहीं जानता। बता बता दो। बोल। गणेश मंदिर है, बकने के लिए आया था। कहाँ बॉम्ब रखा है? मूर्ति के पीछे। कब पटेगा? पूरे 10 बजे। सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है। मोरिया रे बाबा, मोरिया रे गणपति बाबा।
गणेश जी के मंदिर में रखा हमारा बम बादशाह ने हटा दिया। बैड न्यूज एंथोनी, मार्क एंथोनी। बादशाह भाई के घर से मैं पंडित बोल रहा हूँ। भाई आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। मीटिंग की जगह तुम खुद बता दो। बताऊंगा। गुड न्यूज। राधेश्याम सर, तुम्हारा बेटा क्यों नहीं आया? वो डर गया क्या? वो डरता नहीं, उसको आज तक मैंने डरते नहीं देखा। फिर क्यों नहीं आया? वो आएगा, वो बोलता नहीं, बोलता है तो करता है। वो आ गया। बादशाह मानिक बादशाह। यस यस, मानिक बादशाह। क्या बात है ब्रदर, अपन से कुछ बात करनी है बोला था? क्या कोई हेल्प चाहिए? बोलो, अपन पूरी हेल्प करेगा। हमारे राधेश्याम के बेटे हो ना, बोलो। ए ए ए, इधर सुन रहे, ये मेरी और तेरी लड़ाई है, इस बादशाह की और एंथोनी की लड़ाई। इसमें या तू मरेगा या मैं मरूंगा। तेरे आदमी मरेंगे या मेरे आदमी मरेंगे, बस। होली भाली चढ़ता नहीं, मासूम लोग नहीं। अभी पता चला तू डरपोक है। एक डरपोक से लड़ाई करना मुझे पसंद नहीं। इस बादशाह मानिक बादशाह को पसंद नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। सिर्फ सिर्फ सात दिनों में तेरी कहानी खत्म। ए, किसे बातें कर रहा है? मालूम है? मालूम है मुझे, एक नालायक से मैं सच बोल रहा हूं पिताजी। ए! आ, 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 अभी बच्चा है। अरे भाई मानिक बादशाह, इस पेशे में तुम नए हो, बच्चे हो। क्या बोले, सिर्फ सात दिनों में मुझे खत्म करोगे? अरे सिर्फ सात सेकंड्स में अपन तुम्हें खत्म कर देगा, क्यों नहीं समझे? उधर देखो। देख बेटे, बादशाह मानिक बादशाह। ए, 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 मेरी एक बात ध्यान से सुन। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, साथ नहीं छोड़ता, लेकिन बुरे लोगों को भगवान बहुत देता है, साथ छोड़ देता है। हाँ, बादशाह की ये जीत देख, मुंबई में इसका नाम लो तो समुद्र की भी लहरें काफी। न्याय के लिए लड़ने वाला मसीहा बन के आया देख, चोरों का दुख अपनाया प्यार का फरिश्ता देख। बादशाही इंसानियत का देवता है, बादशाही इंसानियत का देवता है। अपन ने उस दिन तुम्हारे बेटे को खल्लास कर दिया होता तो आज जिस अंथोनी के सामने अखा बंबई में कोई माई का लाल खड़ा नहीं होता। बेटे को बचाना था ना, अब वही बेटा अपन लोगों की फांसी का फंदा बन गया। खलास कर दूंगा उसे।
प्लीज सर, एक मौका मुझे और दीजिए सर, मैं उसे समझा दूंगा। प्लीज प्लीज सर। अच्छा जाओ, लेकिन उसकी जिंदगी का ये आखिरी बंदा है सर, उसे समझा देना। यस सर। जाओ। जी सर। जाओ। आप तो जानते ही हैं अपने बेटे के बारे में, उसे जो ठीक लगता है वही करता है वो। उसे गलती करते हुए हम में से आज तक किसी ने भी नहीं देखा। आपका एंथोनी के पास काम करना मानी को पहले से ही पसंद नहीं था। ये सब उसके भाई बहनों को पता न चल जाए इसीलिए उनको दूसरे शहरों के हॉस्टल में रख के अपने खर्च पर पढ़ा रहा है। इन हालात में मानिक एंथोनी के खिलाफ हो गया था, आपको तो सब पता है। अगर उसकी जगह आप भी होते तो आप भी ऐसा ही करते। अपना बेटा जब से बादशाह बना है तब से उसे घर की चौखट पर कदम रखने के लिए आपने मना किया है। उसके दिल को कितनी ठेस पहुंची होगी, आपने कभी सोचा है? कल घर पे ही रहेगा ना मानिक? कल शुक्रवार है ना, पहले अनवर की समाधि पर जाएगा फिर बाद में घर आएगा। मुझे इस जंग में अकेला छोड़कर तू चैन की नींद सो रहा है, सब कुछ एक सपना नजर आ रहा है। बचपन से हम दोनों साथी थे, एक साथ बड़े हुए, हमारी दोस्ती की पूरे शहर में मिसाल दी जाती थी। लेकिन हमारे खुशी भरे संसार में एंथोनी नाम का एक बदमाश घुसाया। कुत्ते ने गरीब लोगों की बस्ती को खाली करवाने की धमकी दी थी, तो जब हम में से कोई नहीं माना तो उस एंथोनी ने सबको तंग करना शुरू कर दिया था। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम गुस्सा हो गए थे, तो मैंने तुम्हें समझाया था। कानून की मदद से हम ये जंग लड़ेंगे मैंने बोला था, लेकिन तुम्हें कानून पर भरोसा नहीं था। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने पुलिस ऑफिसर को अर्जी भी दी, लेकिन उसने बिना पढ़े फाड़ कर फेंक दी थी। मंत्री जी के पास जाकर उनकी भी मिन्नत करी, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं थे। सब एंथोनी के चमचे थे, उसी का राज था। आखिर एक दिन एंथोनी हमारे इलाके में आया। उसने सब लोगों को फौरन जगह खाली करने को कहा। उसकी बंदूक देखकर सब लोग डर कर भाग खड़े हुए, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और वहीं खड़े रहे। वो उसी वक्त हमें गोली से उड़ा देता अगर मेरे पिताजी उसके पैरों पर गिरकर हमारी जिंदगी की भीख न मांगते। एंथोनी के आने से पहले सब लोग हमारे साथ बड़ी हिम्मत से खड़े थे, लेकिन बंदूकें देखते ही डर कर भाग गए। क्यों नहीं डरेंगे वो लोग? कानून, पुलिस, गुंडे, बदमाश, रुपया पैसा, सरकारी ताकत, सब कुछ उसने खरीद रखा है। अगर एंथोनी को खत्म करना है तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? उसी के रास्तों पर चल के उसे खत्म करना होगा। क्या मतलब? हमें भी एंथोनी की तरह दरिंदा बनना होगा क्या? उस दरिंदे से इन मासूम लोगों को बचाया तो कोई भी दरिंदा नहीं कहेगा हमें। जंग कैसे हुई ये जरूरी नहीं है मानिक भाई, किस बात पर हुई और जंग क्यों हुई ये जरूरी है। अगर इस जंग में हम दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया तो। अरे अनवर, फिजूल की बातें क्यों करते हो? बचपन से ही हम दोनों एक हैं, एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे भी। मैंने तो यूं ही कहा था, मुझे अगर कुछ हो भी गया मेरे दोस्त, तुम ये जंग जारी रखना। अगर ये अनवर बादशाह तेरा साथ ना दे पाया तो वो खुदा हमेशा तेरा साथ देगा। ये बादशाह मेरे साथ रहेगा, वो खुदा भी हमारे साथ रहेगा। जब सब लोग वहां से भाग रहे थे तो ये दोनों सीना तानकर वहीं खड़े रहे, बड़े दिलेर समझ रहे थे अपने आप। वो उन दोनों को गोली से उड़ा देता, ये तो मानिक अपना बेटा है सोच के बॉस ने उसे छोड़ दिया। तो फिर अनवर? अब तक तो अनवर
सिकंदर को कितनी बेरहमी से खत्म कर दिया जाता है। अरे रामू, पहली बार आप मेरे घर आए हैं। तुझसे अकेले में बात करनी है। क्यों रे, बादशाह यानी बड़े बादशाह समझ रहे हो? एंथोनी के बारे में राधे श्याम को सब मालूम है। सरकार ही उसके हाथों में है, समझे? उसके खिलाफ उसकी सगी मां भी जाए तो छोड़ता नहीं वो। वैसे आदमी के पास मैं क्यों काम कर रहा हूँ सोच रहे होंगे। सब कुछ खोकर इस बंबई में भटक रहा था तो उसने दो वक्त की रोटी दी, रहने को घर दिया, मुझे जिंदगी दी। उसी का नमक मैं खा रहा हूँ। कुछ भी हो वो मेरा मालिक है। मेरे मालिक के खिलाफ जाने वाला चाहे कोई भी हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। एंथोनी का रास्ता तू छोड़ दे, क्या समझा? तुझे भगवान लंबी उम्र दे।
चुप चुप जियो मेरे बेटे। सर, बादशाह मान गया क्या? ड्राइवर चलो। यस, होम मिनिस्टर दलवे बोल रहा हूं। ठीक है एंथनी, कौन? मानिक बादशाह। हाँ। उसे अंदर भेज दो। ठीक है साहब। प्लीज सिट डाउन। नो 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 नो, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैंने किसी को लूटा नहीं, ना ही गरीब का झोंपड़ा चलाया मैंने, किसी का बलात्कार मैंने नहीं किया, किसी को मैंने नहीं सताया, लेकिन ये सब कुछ एंथोनी कर रहा है। मैं तो सिर्फ लोगों को बचा रहा हूं। आप खाकी वर्दी पहने जो काम नहीं कर पाए, वही काम मैं खाकी वर्दी पहने बिना कर रहा हूं। मेरे पास जो भी पैसा है, गरीबों का पैसा नहीं, अच्छे लोगों का पैसा नहीं है, बुरे लोगों का पैसा है। गैर कानूनी धंधा करके सरकार को जो धोखा दे रहे हैं, उन लोगों से लूटा हुआ पैसा है ये। देखो मेरे सारे पेपर्स, बादशाह एजुकेशन ट्रस्ट, बादशाह मैरिज ट्रस्ट, बादशाह हाउसिंग ट्रस्ट, बादशाह पीपल वेलफेयर ट्रस्ट, ऐसे और भी हैं। आप एंथोनी से इतना घबराते क्यों? उसकी ताकत को देखकर घबराते हो या उसकी राजनीतिक क्षमता को देखकर डरते हो? हां, इस बादशाह को देखकर घबराओ मत, डरो तो सिर्फ भगवान से। बहस दिमाग की नहीं, अपने दिल की बात सुनता हूं। अब आप ही को फैसला करना होगा, एंथोनी या आशा, किसको सपोर्ट करेंगे आप लोग, रावण या राम को? ओके, बाय बाय। सर, जूली खाना लगाओ। क्या हुआ राधेश्याम? हमने अरेस्ट करवाए बादशाह के आदमियों को, छोड़ दिया है। वो कैसे? अब पुलिस बादशाह की तरफ है। तुम एक काम करो, बंबई के सारे डॉन्स की मीटिंग बुलाओ, आज ही बुलाओ। ओके सर। बादशाह को भी, यानी तुम्हारे बेटे को। देखो बादशाह, घर अगर दो हिस्सों में बट जाए तो खरीदने वाले को ही फायदा होता है। हम दोनों के झगड़ों से पुलिस वालों को ही फायदा हो रहा है। हम एक दूसरे को मारकर मर जाएं, पुलिस उस मौके की तलाश में है। वो मौका हम उनको क्यों दें बोलो? आज से बादशाह और एंथोनी दोनों दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। तुम्हारे बिजनेस में अपन नहीं घुसेगा, उसी तरह अपन के बिजनेस में तुम इंटरफेयर नहीं करना। देखो तुम्हारे लिए भी ठीक, अपन के लिए भी ठीक, अपन सबके लिए भी ठीक होगा। ए, 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 ये सब कुछ पैसा या नाम कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तुझे खत्म करने के लिए कर रहा हूं। ये सारे धंधे और गरीब जनता को सताना छोड़कर अनवर की समाधि पर सर झुकाकर माफी मांग ले तो पुलिस के हवाले कर दे खुद को, या बॉम्बे छोड़ दे और मेरी नजरों से दूर हो जा, तब मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये राजनीतिक पैंतरे मुझ पर मत आजमा। लुक हियर, एक बात मेरी गौर से सुनो, तुम सब एंथोनी के साथ डर डर कर बिजनेस कर रहे हो, मन को मारकर अपनी आत्मा के खिलाफ उसके साथ काम कर रहे हो। आज से तुम लोग इस एंथोनी से बिल्कुल मत डरो। इस बादशाह पर भरोसा है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम सब तो जानते हो ना, ये बादशाह एक बार बोले तो 100 बार बोलने के बराबर है। देशो,
बादशाह देख, बादशाह देख, बॉम्बे का बादशाह देख, दुनिया इसके साथ देख, किस्मत इसका खुदा देख, दुनिया इसका चुमे हाथ, आसमां भी झुक गया है बादशाह के सामने रे, नासिक में छपे नोट बादशाह के हाथ लगे देख रे। इस बादशाह से टकराने वाला कोई नहीं, नाम से ही रोशनी जलती रे। बादशाह भाई, एंथोनी के जुर्म बढ़ते जा रहे हैं, उसको खत्म करने वाला कोई ना कोई जरूर आएगा, ये आस लगाए बैठे हैं सब लोग। अब भगवान ने आपको भेजा है उस काम के लिए, ऐसा सब बोल रहे हैं। तुम जैसे चमचों से इस बादशाह को बड़ी नफरत है। कुछ लोग मीठी बातें बोलकर छुरा भोंकते हैं। अरे बुराइयां हो तो मुंह पर बोलना चाहिए और भलाई बेशक पीछे से बोलो। बात ये है, दो दिन के बाद आपका जन्मदिन आने वाला है। यूं तो कभी आपने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, इसलिए मैंने आपसे पूछे बिना ओबेरॉय टॉवर्स का बैंक्वेट हॉल बुक कर दिया है। किससे पूछ के बुक किया तूने? ये फंक्शन वगैरह पसंद नहीं है। दूसरा कोई चाहे या ना चाहे, ये अपना केशव तो बहुत चाह रहा है, करने दो, करो भाई। बादशाह भाई ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो फंक्शन बाहर नहीं हुआ, घर में ही मनाएंगे। इसके लिए केशव से पूछ लो। कहीं भी मनाए तो क्या, मुझे तो आपका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना है, यहीं पर रख लेते हैं। आपकी इजाजत मिल गई है, मेरे लिए यही बहुत है, पूरा हंगामा कर दूंगा। शुक्रिया बादशाह भाई। बादशाह भाई इसको देख के मुझे तो भय लगता है। जीवन में भय होना जरूरी है, लेकिन भयभीत होकर पूरा जीवन मत गुजारो।
की ये दुनिया है रामया, सोलह का हो या तो साठ का, सोलह का हो या तो साठ का, अरे रात मैं बता दूं तुझे आठ का, ओह रा 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 रामया, आठ में ही जिंदगी है रामया, ए रा 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 रामया, ए आठ की ये दुनिया है रामया। साल तो है खेल के लिए, हाँ दूजे आठ साल है तालीम के लिए, पहले आठ साल तो है खेल के लिए, हाँ दूजे आठ साल है तालीम के लिए, शादी रचाने के लिए तीजे आठ साल, चौथे आठ साल में संतान का ख्याल, आठ में तुम बांट दो ये जिंदगी, अरे देखो फिर ये जिंदगी किधर खड़ी, रा 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 रामया, आठ में ही जिंदगी है रामया, ओहो रा 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 रामया, आठ की ये दुनिया है रामया। ये आठ है शोहरत के वास्ते, पांचवा ये आठ है दौलत के वास्ते, हाँ छठवा ये आठ है शोहरत के वास्ते, आत्म शांति के लिए है सातवा आठ साल, आठवा ये आठ लाया मोक्ष का सवाल, आठ में तुम बांट दो ये जिंदगी, आठ में तुम बांट दो ये जिंदगी, अरे देखो फिर ये जिंदगी किधर खड़ी, ओहो रा 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 रामया, आठ में ही जिंदगी है रामया, इकड़े आ या या रामया, आठ की ये दुनिया है रामया, सोलह का हो या तो साठ का, सोलह का हो या तो साठ का, अरे रात मैं बता दूं तुझे आठ का, ओहो रा रा रामया, आठ में ही जिंदगी है रामया, रा 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 रामया, आठ की ये दुनिया है रामया। बादशाह भाई, उस एंथनी की बातों में आकर मैंने ये सब कुछ किया, ये मेरी पहली गलती समझ के माफ कर दो। जब तूने मेरी चमचागिरी शुरू कर दी थी उसी समय मुझे तुम पर शक हो गया था कि तू मेरी पीठ पर छुरा भोंकने आया है।
इस बादशाह को कभी नाचते गाते तूने देखा है आरामखोर? नहीं, तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं तेरी चाल को पहचान चुका हूँ। आउट, एंथोनी के साथ तो वफादारी कर। आप मुझे नहीं मारेंगे ना? जाओ। सच में? ये बादशाह एक बार बोले तो 100 बार बोलने के बराबर है। जानता हूँ सर, आपके बारे में जानता हूँ, चलता हूँ। बादशाह को मार के आओ कहा था तो उससे प्राणों की भीख लेकर आया है ये इडियट। कोई भी सालों से टक्कर नहीं ले पा रहा है, नोबडी। उसे आप उन्हें खलास करेगा। या मानिक भाई, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने हमारे हाउसिंग कॉलोनी से सब लोगों को निकालकर दूसरी जगह भेज दिया, लेकिन एंथोनी ने वहां पर बम रख दिया। रखने दो। बादशाह भाई, एंथोनी हमारे वेलफेयर ट्रस्ट की बिल्डिंग में बम रखने का प्लान बना रहा है। बनाने दो। एंथोनी गैंग का आदमी बाबू हमारा पालतू है, एंथोनी को पता चल चुका है, वो उसको मारने उसके घर गया है। मारने दो। एंथोनी मार्क, एंथोनी अब उनके सारे आदमी खरीद लिए, बड़ी जनता तूने इकट्ठी कर ली, भीड़ जमा करके मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये एंथोनी बस अकेला ही काफी है तेरे 1000 आदमियों के लिए, अपन तेरे साम्राज्य को मिटा देगा। ओके एंथोनी, एंथोनी बादशाह, तेरे बारे में पेपर वालों ने कुछ लिखा है, जरा पेपर तो देख। बादशाह! या 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 बादशाह, मानिक बादशाह, क्या बोला था? भीड़ जमा करके मैं हर काम जीत नहीं सकता, क्यों? बिल्कुल सच, लेकिन ये सब जो मेरे साथ हैं वो जमा की हुई भीड़ नहीं, प्यार से अपने आप मेरे पास आए हैं। ये मेरा अलग साम्राज्य है, प्यार का साम्राज्य, इसे कोई भी नहीं मिटा सकता। अरेस्ट हिम। यस सर। मैंने कहा था ना उस दिन सिर्फ 7 दिनों में तेरी कहानी खत्म कर दूंगा, आज 7वां दिन है, तेरी कहानी खत्म। थोड़ी देर में तू पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाएगा, वहां ससुराल वाले तेरी बड़ी खातिरदारी करेंगे। ए, आज का दिन इस मानिक बादशाह को हमेशा याद रहेगा, बड़ा विशेष दिन है आज, मेरे दोस्त अनवर बादशाह की रूह को शांति मिलेगी। ए, तुझे बोला था ना उस दिन अच्छे लोगों की भगवान परीक्षण लेता है, साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को सब कुछ देता है लेकिन साथ छोड़ देता है, भगवान ने तेरा साथ छोड़ दिया। मुबारक हो बादशाह भाई, मुबारक हो। मान गए यार, मान गए तुझे, लेकिन कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, गलती जरूर करता है वो। तेरी गलती बताऊं तुझको, तू अपने बाप को अपन के पास छोड़ गया, पुलिस के पहुंचने से पहले अगर तू यहां नहीं पहुंचा तो अपने बाप को हमेशा के लिए खो बैठेगा। माफ करना राधेश्याम, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखता। पिताजी,
परिवार को बादशाह नहीं मार डाला, तुमको बोलना है। पिताजी, देखिए, चलो बादशाह। मानिक, वो अपने भाई बहनों को अच्छी तालीम देना, डॉक्टर बनाना, इंस्पेक्टर बनाना, अच्छे परिवार में शादी करना चाहता था दोनों की। ये काम तू पूरा करना बेटा। हाँ पिताजी, मैं ये काम जरूर करूंगा, लेकिन बादशाह नहीं, मानिक बनके। बादशाह नहीं रहोगे, ये बंबई छोड़ दोगे। पिताजी, भाग जाओ, कहीं दूर चले जाओ। वचन दो, कसम खा मेरी बेटी। कसम से पिताजी, आज के बाद बादशाह नहीं। पिताजी, 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 पिताजी। सुनो पंडित, मानिक बादशाह के पिता के मरते समय आशा ने भी दम तोड़ दिया, वो अब जिंदा नहीं है। मानिक भाई, भगवान को प्यारा हो गया, ये खबर फैला दो। इंटेंसिव केयर में इलाज करा रहे वो दोनों भगवान की कृपा से बच गए हैं। प्रिया, इस वक्त कहां जा रही हो? कहीं भी जाओ, ये मेरी मर्जी है। कहीं भी जाओ बेटी, लेकिन उस ऑटो वाले के पास बिल्कुल मत जाना। ओह, तो आपको पता चल गया, मैं उसी के पास जा रही हूँ, उसी से शादी भी करूंगी, उसी के साथ अब जीना मरना है। एक बात सुनो प्रिया, चाहे तुम कहीं भी जाओ इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन पूरी जायदाद तो तुम्हारे नाम है, इसे उस ऑटो वाले को मुफ्त मोड़ाने के लिए क्यों छोड़ दूं मैं? कल ही तुम्हारी शादी है, सुबह ठीक 9 बजे ये तुम्हारा पति होगा। आज से तुम यहीं रहोगी, ये बुद्धू भी यहीं रहेगा, मेरी जायदाद भी मेरे पास रहेगी। जी, तुम बाप नहीं जल्लाद हो, चाहे कुछ भी बोलो पर यहीं पड़ी रहो। नहीं रहूंगी अब मैं यहाँ। आज से तुम्हारा घर से निकलना बंद। अगर तुमने उससे पहले अगर मुझे नहीं बचाया तो शादी तो हो जाएगी मेरी, लेकिन मैं
हर नजर नजर में प्यार, दिल में है आग आग में राग छिड़े बदन के तार। रूप नजर नजर में प्यार, दिल में है आग आग में राग छिड़े बदन के तार। एंथोनी साहब, आपसे कोई मिलने आया है। जेल तोड़ के भाग निकला। बॉस, आप कब आए? हे भगवान, आपकी यह हालत है। आपसे जेल में मिलने में कई बार आया था, लेकिन मुझे अलाउ नहीं किया। कई लेटर्स भी लिखे, मिले थे ना? नहीं मिले
आपकी हालत बनाने वाला कमबख्त बादशाह अब इसी शहर में है। दो दिन पहले ही उसे मैंने देखा था। मेरे बीवी और बच्चे को किसने मारा था? बादशाह ने। बादशाह नहीं, जब आप जेल में थे उसने आपकी बीवी और बच्चे को मार डाला और बंबई से यहां भाग आया। हाँ, मेरा घर भी लूटा था बादशाह ने। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे प्लीज। माफ करने के लिए मैं कोई बादशाह नहीं हूं, एंथोनी हूं। हेलो पुलिस स्टेशन। सर यहाँ एक मर्डर हुआ है। मर्डर? कहाँ, कहाँ से बोल रहे हो? एड्रेस है नंबर 4। हेलो, हेलो, हेलो कंट्रोल रूम, रेस दिस कॉल। मानिक भाई ये देखो, जेल तोड़कर एंथोनी फरार हो गया है। अब तक बादशाह ने पेपर पढ़ लिया होगा, वो कोई चाल चले उससे पहले अपन चाल चलेंगे। उसको अपन गेम खिलाएगा, जाओ उसके पूरे घर वालों को उठा लाओ। ध्यान से सुनो, फौरन शंकर जय दिनेश चका को बुलाकर मां और बहनों का पता लगाओ और उनको किसी सुरक्षित जगह ले जाओ। तुम लोग जीजा जी किस तरह नहीं रह सकती, मैं क्यों पहले ही प्रिया और बहनों को उठा के वो ले गए और जग्गा को। जग्गा? बादशाह है, अब तो पता चल गया ना। शिवा, तुम्हें सच्चाई बताने का समय आ गया है। बादशाह, बादशाह कह के बोल रहे हो, कौन है वो, उससे हम लोगों का क्या संबंध? वो तुम्हारा भाई है। भाई? किसने कहा? हमारे बारे में तुम्हें क्या मालूम है? अरे भारती देवी जी, बोलो ना, क्या तुमने इनको बताया नहीं कि सच क्या है? बता दो ना। सर, एंथोनी की कार का पता चल गया। इज इट? कम ऑन, लेट्स गो। Thank you.
एंथोनी ने चारों ओर बॉम्ब रखे होंगे। चुपचाप निकाल लो, संभल के। बादशाह भाई आओ। अस्सलाम वालेकुम। समझ गया था कि तुम यहां आओगे और सब कुछ खत्म कर दोगे, तभी तो घर के चारों तरफ बॉम्ब मैंने रखे हैं। देखोगे सारे बॉम्ब मैंने उठवा लिए। वालेकुम अस्सलाम। ऑटो वाला बंदे के बाद मैंने समझा पुराने दाव पे भूल गए होगे। मैं भी नहीं भूला। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उधर देखो अपन ने बम फिट किया है।
बुरा नहीं है। मैं ऑटो वाला, ऑटो वाला भी राहू चलने वाला, सही रेट लेने वाला, सबको प्यार करने वाला, प्रेम गीत गाने वाला, गांधी जी के देश वाला, जहाँ वतन पे देने वाला, हाथों में मुझको पाला, सच्चाई का मैं हूँ तरफदार, हाँ सच्चाई का मैं हूँ तरफदार, गरीबों का मैं हूँ दोस्त साथी मददगार।